तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओरल सबमुकस फाइब्रोसिस के बारे में। और आज मेरे साथ थे भोपाल के लीडिंग ओरल सर्जन एंड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर पुनीत पाठक जी। हेलो सर, गुड हाय, इवनिंग गुड सर। इवनिंग। सर ये बताइए सर, ओएसएमएफ होता क्या है? और ओएसएमएफ इज बेसिकली ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इट इज़ वेरी क्रॉनिक इंसिडियस डिजीज। नाउडेज इट इज़ कॉमनली सीन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आजकल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, सुपारी, पान, मसाला, टोबैको, यही इसका एकमात्र सबसे ज़्यादा रीज़न पाया गया है ओएसएमएफ होने का। कुछ और भी इसके कारण हैं ओएसएमएफ होने के, पर वो बहुत इतने ज़्यादा नहीं है जितने आजकल तंबाकू और सुपारी खाने से हुए पता चल रहे हैं। सर इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम ओएसएमएफ को चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है। उसमें मुंह हमारा कम से कम 35 mm मिनिमम खुलता है, 35, और इससे 35 to 40 mm आपका माउथ ओपनिंग रहती है। ग्रेड टू वाले जो होते हैं वो वेरी अर्ली केसेस में हम गिने जाते हैं, जिसमें हमारी माउथ ओपनिंग लेस देन 30 mm अप टू 25 mm, 25 to 30 mm हमारी माउथ ओपनिंग रह जाती है। ग्रेड थ्री जो है वो मॉडरेटली एडवांस केस होते हैं, जिसमें कि माउथ ओपनिंग घट के 20-25 mm रह जाती है। उसमें हम इंट्रा ओरली अगर देखेंगे मुंह के अंदर, तो फाइबरस बैंड्स, कड़क और काफ़ी टफ बैंड्स हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। ग्रेड फोर कैटेगरीज में हमें जो हमारी मुंह खुलना है या माउथ ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो 15 mm घट के हो जाती है, जिसमें कि बहुत ही टफ फाइबरस बैंड्स होंगे और काफ़ी ब्लेंचिंग होगी। इवन पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्लो इज माउथ। सर ये बताइए इसका और भी कुछ साथ में मुंह कम खुलने के साथ भी कुछ जलन वगैरह या खाने बिल्कुल, पीने में प्रॉब्लम? इसके साथ इसके जो क्लासिकल फीचर्स होते हैं ओएसएमएफ के, वो बेसिकली होते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में बोल सकते हैं, द इम्पॉर्टेंट वंस आर RBI, दैट इज रिकरेंट अल्सरेशंस, बर्निंग सेंसेशंस टू हॉट एंड स्पाइसी फूड, और इनेबिलिटी टू ओपन द माउथ। ये बहुत कॉमन फीचर्स हैं। इसके साथ कुछ कुछ क्लिनिकल चेंजेस ज़रूर होते हैं शरीर में, जैसे कि क्योंकि मुंह नहीं खुलने के कारण रिपीटेड फोर्स जब पेशेंट लगाता है मुंह खोलने के लिए, तो जो हमारी यहाँ मांसपेशी होती है टेम्पोरालिस, जो हमारे कोरोनॉइड पे चिपकी हुई रहती है, उसमें फोर्स जब वो मुंह खोलने के लिए लगाता है, तो टेम्पोरालिस का जो नेगेटिव फोर्स लगता है उसके कारण हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस नॉर्मल डायमेंशन से बड़ा हो जाता है। उस बड़े डायमेंशंस जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, वो जब जाइगोमेटिक आर्च के अंदर रोटेट करता है ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग द माउथ, तब भी पेशेंट को इनेबिलिटी होती है, काफ़ी दिक्कत होती है मुंह खोलने में। तो हमारे पास ओएसएमएफ में दो रीज़न होते हैं मुंह ना खोलने के। पहला तो हमारे मुंह में बहुत सारे बैंड्स हो गए हैं, इलास्टिसिटी चली गई है सारी। दूसरा, हमारी कोरोनाइड प्रोसेस बढ़ गई है, जो कि अल्टीमेटली जाइगोमेटिक आर्च में रोटेट ढंग से नहीं कर पा रही है। सर इसका फिर वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर ओएसएमएफ जो है वो मेडिसिनल भी है, सर्जिकल भी है। मेडिसिनल में हम कुछ स्टेरॉइड्स, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ सम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। इंट्रालीजनल इंजेक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, जो प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स के हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, हाइलोरोनिडेज हैं। हाइलोरोनिडेज एक एंजाइम है जो फाइबर्स हमारे बनते हैं उनको लूज़ करता है, तो उस लूजनिंग के कारण हमें टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है, पर परमानेंट रिलीफ हमें नहीं मिल पाएगा इस। लेकिन मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स या इंट्रालीजनल इंजेक्शंस का, नॉट मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट का हमको परमानेंट रिलीफ तो नहीं मिलता, लेकिन इंट्रालीजनल जब हम इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा डीमेरिट ये होता है, ड्यू टू मैकेनिकल इरिटेशन, जब आप इंट्रालीजनल इंजेक्शन सुई से लगाते हैं तो वहाँ जो इरिटेशन होता है,
या फिर केमिकल इरिटेशन ड्यू टू द ड्रग्स, उस इरिटेशंस के कारण जो फाइब्रोसिस हो रहा है वो इंटू टू होने लगता है, ज़्यादा टफ होने लगता है। दूसरा, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर ओएसएमएफ सर्जिकल, बेस्ट रिजल्ट हमें अभी तक मिले हैं। जब हम कोई भी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को सर्जिकली ट्रीट करते हैं तो यस वी हैव अ गुड रिजल्ट, क्योंकि सर्जरी करने के बाद हम उस फाइबर्स को, जो गैप बनता है हमको, जो सर्जिकल डिफेक्ट बनता है फाइबर्स निकालने के बाद, उस गैप को हम, कुछ फ्लैप्स होते हैं जो हम शरीर के ही कुछ हिस्से से लेके और उस गैप में लगा देते हैं, जो एक बैरियर बना देता है। ऊपर वाले बैंड्स और नीचे वाले बैंड्स के बीच में एक बैरियर होता है जो कि हेल्दी टिश्यू होता है। उससे क्या होता है कि जो ये दोनों बैंड्स आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो हमें परमानेंट लॉन्ग पॉसिबल रिजल्ट सर्जिकल से मिल सकता है। सर ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए या क्यों, मतलब कितना बेस्ट पॉसिबल रहेगा किस टाइम करवाने में? देखिए, ग्रेड वन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ओएसएमएफ को चार ग्रेड्स में बता सकते हैं, तो ग्रेड वन और टू वाले जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सर्जरी का इतना ज़रूरत नहीं होती है। उनका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि हम, मतलब दे हैव टू क्विट द हैबिट और मेडिसिनल ट्रीटमेंट शुरू करें फॉर लॉन्ग टर्म, अलॉन्ग विथ माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस। सर्टेन माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो कुछ टाइम के लिए मुंह खोलना, बंद करना, बॉलूनिंग ऑफ द चीक, जिससे कि एक्सरसाइज हो, फाइबर्स बने, वो स्ट्रेच हो के कमज़ोर हो। ग्रेड थ्री और फोर बेस्ट ऑप्शन होते हैं सर्जरी के लिए, क्योंकि इनमें आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट देंगे तो टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा कुछ हफ्ते दो हफ्ते के लिए, लेकिन फिर वो वही का वही होगा। इंट्राइजनल इंजेक्शन का मैंने डीमेरिट आपको बताया कि और ज़्यादा फाइब्रोसिस होंगे, तो ग्रेड टू और थ्री कम्स अंडर सर्जिकल ऑप्शन। कुछ फ्लैप्स जो मैं आपको बता रहा था, कुछ फ्लैप्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट मिले हैं, कुछ स्टडीज़ हुई हैं उनके जो रिजल्ट मिले हैं उसमें बताया गया है कि नेजोलेबियल फ्लैप जो हम एक्स्ट्रा ओरल मुंह के अंदर से ना उठा के हम मुंह के बाहर से लेते हैं, नाक के कोने से लेके जो फ्लैप लेते हैं, इसको जब हम इंट्रा ओरली लगाएंगे तो इसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिलता है, जो कि मोर देन 90% है। कुछ इंट्रा ओरल फ्लैप्स भी हैं जो हम जीभ से लेते हैं, तालू से पैलेटल फ्लैप्स लेते हैं, फैट का पैड, बक्कल फैट पैड लेते हैं, क्योंकि वो उसका सक्सेस रेट कम इसलिए है क्योंकि मुंह की सारी जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली फाइब्रोज हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि फाइबर्स, क्योंकि हमारे इंट्रा ओरली फाइबर्स हमको वैसे भी अंदर मुंह के अंदर प्रेजेंट हैं, वही फाइब्रोज या अनहेल्दी टिश्यूज़ को हम सर्जिकल डिफेक्ट क्लोज करने के लिए लगाएंगे तो विल नॉट गिव दैट मच रिजल्ट। इसीलिए हम एक हेल्दी टिश्यू प्लेस बिटवीन द टू अनहेल्दी वन, और यस वी विल डेफिनेटली गेट ओवर 90% रिजल्ट। सर इसमें एक प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए ओएसएमएफ ना हो उसके? अब बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट तो यही है कि आप क्विट द हैबिट एज सून एज पॉसिबल। आज से ही, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो आज से ही आप जो भी हैबिट्स हैं आपकी, सुपारी, पान, तंबाकू, ये सारी चीज़ें आप आज से ही छोड़ दें। प्लस कुछ जो जो बहुत जिसके रेयर चांसेस हैं जो इसकी इटियोलॉजी के, वो वेरी स्पाइसी फूड, क्योंकि दैट स्पाइसी फूड कॉजेज इरिटेशन टू द बक्कल म्यूकोज़ा, और उस रिपीटेड इरिटेशन से वहाँ पे जो हीलिंग है वो फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू होने लगती है, दैट फाइब्रोब्लास्ट कॉजेज फाइब्रोसिस ऑफ द टिश्यू। तो कुछ छोटे मोटे इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जो स्पाइसी फूड है, लोकल इरिटेशन है, बार बार चबता है हील होता है, चबता है हील होता है कोई भी वूंड, वो अल्टीमेटली फाइब्रोज हो जाता है, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ कड़कपन हो जाता है, दैट इज़ ऑल अ फाइब्रोसिस। सर इसके अगर ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट अगर ना करवाए कोई केस तो सर उसमें क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर
इसका इलाज ही ना कराया जाए तो अल्टीमेटली वो फाइब्रोसिस जो है वो और एग्रेसिव होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि पेशेंट इज़ नॉट एबल टू ओपन हिज और हर माउथ टिल 1 mm ओनली। 1 mm का भी मुंह खोलना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मुंह ना खुलने से कल को आपके लिए ये होगा कि आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि आप खाना पीना नहीं खा पाएंगे। तो अल्टीमेटली पूरी हेल्थ प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती हैं। इलाज करवाने के बाद भी यस, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ काफ़ी सीनियर ऑथर्स ने की गई स्टडीज़ में ये पाया है कि मोर देन 7.6% ऑफ दिस कंडीशन, दिस प्री मैलिग्नेंट कंडीशन इज ट्रांसफॉर्म इंटू ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। दैट इज जो ओरल कैंसर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फाइब्रोसिस इज मोर देन 7.6%। तो बिल्कुल आज का मैसेज आपके लिए यही है कि क्विट द हैबिट एज सून एज पॉसिबल। जितना अगर आपने यूज़ किया है तो बिल्कुल अपने लोकल डेंटिस्ट से आप रेगुलर विजिट्स लें, फॉलोअप्स दें, उसे ट्रीटमेंट जितना एज सून एज पॉसिबल करा सकें, क्योंकि नोबडी नोज़ कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब।